यहाँ पर एस मेंशन करेंगे, इससे रेज ऑफ लाइट निकलेंगी तो इनफाइनाइट, लेकिन हमने कोई तीन रेज ऑफ लाइट देख लेनी है। ये वर्टिकली इस लेंस को डिवाइड करिए टू इक्वल पार्ट्स में, यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उससे रेज ऑफ लाइट न जाने कितनी सारी निकलेगी, लेकिन हमने कोई तीन रेज ऑफ लाइट ले ली। अब ये जो तीन रेज ऑफ लाइट हमने ली हैं, इन तीन रेज ऑफ लाइट को हमने एक ऐसा एडजस्टमेंट किया था यहाँ पर कि ये जो हमारा सोर्स था ना, लाइट का जो सोर्स था, इस लाइट के सोर्स को हमने कुछ ऐसा एडजस्ट करा था कि ये फोकस पर रखा जाए, इस वाले छोटे वाले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा जाए। अच्छा, फोकस पर अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर फोकस से निकलती है तो वो रेज ऑफ लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है इसमें कि अगर फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि इससे पहली रेज ऑफ लाइट निकली ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, तो जो भी फोकस पर रखा जाता है उससे निकलने वाली रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पर आपने इस पॉइंट को ऊपर बोला W और नीचे वाले पॉइंट को भी बोला W और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई भी हम बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट की, तो प्लेन वेव फ्रंट पर जो रेज है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है मेरे को, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो वेव फ्रंट जाने वाला है ना यहाँ से वो प्लेन वेव फ्रंट जाने वाला है, तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे सीधा यहाँ से पास ऑन कर जाएगा। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट आया, इस प्लेन वेव फ्रंट की जो विड्थ है उसको आप स्मॉल ए मान लीजिए। ये जो स्लिट है, इस स्लिट के इस वाले हिस्से को आप बोल दीजिए कैपिटल ए, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोल दीजिए कैपिटल बी, ए और बी, और जो इसकी विड्थ है इसकी विड्थ को बोल दीजिए स्मॉल ए। ये इसकी विड्थ होगी, किसकी, वेव फ्रंट की विड्थ होगी ए। फिर आप ये कहेंगे कि जो वेव फ्रंट होती है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट है, क्यों, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो सारी पैरेलल आ रही है। आप ये देखिएगा कि हमने शुरुआत में जब वेव फ्रंट स्टडी करा था तो हमने ये कहा था कि प्लेन वेव फ्रंट जो होता है उस पर जो रेज होती हैं वो रेज हमेशा पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं एक प्लेन वेव फ्रंट पर। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये कहा कि जब रेज मेरे को पैरेलल मिल रही हैं तो जो वो वेव फ्रंट बनाएगी वो पैरेलल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और सेकेंडरी वेव्स भी निकलेंगी। तो मैंने कहा कि एक वेव ऐसे चली गई बिल्कुल सीधी, ठीक है, एक वेव ऐसे गई बिल्कुल सीधी तो ये टकराएगी इस लेंस पर, दूसरी वेव रे जो है वो भी ऐसे बिल्कुल सीधी चली गई, ये भी इस लेंस से टकराई, ऐसे तीसरी वेव भी बिल्कुल सीधी चली गई, ये भी इससे टकराई, और इस बड़े लेंस के बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देनी है। तो यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगा देंगे, लिख दीजिए ये हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो फिर से वही चीज है कि जब मैंने यहाँ पर एक और लेंस लगाया है, इस वाले लेंस का हमने नाम रख दिया बेटा L1 और इस वाले लेंस का हमने नाम रख दिया L2, lens 1 lens 2। ठीक है, तो यहाँ से अगेन ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस पर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है सारी रेस तो वो एक पॉइंट पर आकर सारी कन्वर्ट हो जाती है, वो कहलाता है इसका फोकस, दूसरे वाले लेंस का फोकस, इसके फोकस पर मिलेगी सारी। तो पहली वाली बिल्कुल सीधी यहाँ पर, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो आप ये देखिए जब सारी की सारी, जब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से लाइट रेस पहले क्या हुई, डिफ्रैक्ट हुई, तो डिफ्रैक्शन आपने किसके थ्रू करवाया, डिफ्रैक्शन आपने एक लेंस के थ्रू करवाया। ठीक, सिंगल स्लिट का मतलब क्या है, जब मैं डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूँ तो आप ये देखिएगा कि ये सामने
ये सामने जो है ये एक पूरा का पूरा ऑब्स्टेकल था, उस ऑब्स्टेकल में मैंने एक स्लिक मतलब एक ही सेक्शन खाली छोड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का हमने सेक्शन खाली छोड़ दिया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिंगल स्लिक। अगर दो स्लॉट्स खाली छोड़ते थे तो हम उसको डबल स्लिट बोल देते थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लॉट्स खाली छोड़े थे। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई और ये डॉटेड, ये एक डॉट हमको सोर्स ऑफ लाइट दिखा रहा था, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी, इसलिए उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। तो मैक्सिमा का मतलब क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और जहाँ पर भी कहीं हम मिनिमा की बात करते हैं तो मिनिमा का मतलब होता है डार्क फ्रिंज। ठीक, इस पॉइंट को जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता था उसको पहले की तरह ही हमको करना है, उसको हमको ओ बोल देना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा ओ हो गया। ठीक है, अभी इस डायग्राम में कुछ और चेंजेस मैं करूँगा। ठीक है, मतलब इतना तो आपको बना ही लेना है, इसके बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस होंगे वो अभी आपको बताता हूँ। पहले आप दो चार पॉइंट्स लिखिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, लिखना शुरू करिए। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है उसमें आप लिखेंगे कि अ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सोर्स कैपिटल एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1, L1 कैपिटल L1 लिखना, L1। ठीक है, फुल स्टॉप। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड हेंस अ प्लेन वेव फ्रंट दस अ पैरेलल दस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट एंड हेंस अ प्लेन thus a parallel beam of light and hence a plane wavefront, plane wavefront को हमने बोल दिया WW, and hence a plane wavefront WW, plane wavefront WW gets incident on a gets incident on a narrow gets incident on a narrow rectangular slit AB, narrow rectangular slit AB of width small a, of width small a, उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, according to Huygens principle, all parts of the slit AB all parts of the slit AB become a source of secondary wavelets which start
which start spreading in same phase in all directions comma thus causing diffraction ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें सपोज द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस सपोज द डिफ्रेक्शन पैटर्न is focused by a convex lens L2 on a screen placed in its focal plane in its focal plane bracket में लिखिए as shown, we will get a central maximum ठीक है इसके बाद आप यहां पर ये मैं अलग से बना रहा हूँ डायग्राम का हिस्सा नहीं है ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये डायग्राम का हिस्सा नहीं है ठीक है इधर लिखना है मेरे को नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ लिखना बेटा सेंट्रल मैक्सिमम क्या है ये ब्राइट फ्रिंज जो हमको मिलती है उसी को सेंट्रल मैक्सिमम हम बोलते हैं ये जो वो पॉइंट है यही सेंट्रल मैक्सिमम है तो यहाँ आप नोट करेंगे द वेवलेट्स फ्रॉम एनी टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स points of the two halves of the slit of the two halves of the slit reach the point O in the same phase sir ye central maximum ki definition hai haan ji haan ji reach the point O in the same phase they add constructively to produce
constructively to produce a central bright. They had constructively to produce a central bright fringe called central maximum. Called central maximum. ठीक है, टू हाफ्स का मतलब क्या है? उन्होंने बोला था वेवलेंथ्स फ्रॉम एनी टू कोरेस्पोंडिंग पॉइंट्स ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द स्लिट. टू हाफ्स ऑफ द स्लिट का मतलब क्या है? ये जो स्लिट है, इस स्लिट को अगर बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, कि आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया इस स्लिट का, तो इस पार्ट वाली जो वेव्स हैं, रेज हैं, और इस पार्ट वाली जो रेज हैं, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं आकर एक पॉइंट पर. और एक पॉइंट पर जब ये मीट करती हैं तो हमको एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. उस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को ही हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम बोल देते हैं. अच्छा, अब दिमाग में ये आता है कि जो हमने अब से पहले जो हमने करा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और ये अब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसे कोई लेंस वगैरह लगाए नहीं थे, तो वो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमने डिफ्रेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं देखी. वहाँ हमने सिर्फ इंटरफियरेंस देखा था कि दो अलग अलग वेव्स हैं और दो अलग अलग वेव्स जब इंटरफियर करती हैं तो हमको ब्राइट फ्रिंज कैसे मिलती है. यहाँ पर दो अलग अलग वेव्स नहीं है, यहाँ पर रेज हैं सारी की सारी पैरेलल, और पैरेलल रेज की वजह से एक वेव फ्रंट बनता है. तो उस एक वेव फ्रंट का, उस एक वेव फ्रंट की वजह से हमको एक ब्राइट फ्रिंज कैसे मिलता है? मतलब यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है हमको डिफ्रैक्शन की वजह से, वहाँ हमको ब्राइट फ्रिंज मिला था इंटरफियरेंस की वजह से. तो जो इंटरफियरेंस की वजह से जो हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है उसको ब्राइट फ्रिंज बोल देते हैं, और जो डिफ्रैक्शन की वजह से मिलता है वो भी ब्राइट फ्रिंज, बस उसको नाम अलग दे दिया, उसको बोल दिया सेंट्रल मैक्सिमम. और सेंट्रल मैक्सिमम क्या है? ये सेंट्रल मैक्सिमम ये है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है मेरे को सेंटर पर लाइट की. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जो है, अभी ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है. हाँ, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब जैसा हमने इंटरफेरेंस में भी करा था, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करा था, तो यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक, तो एक्सपेरिमेंट यही है आपका इस चैप्टर का. जो लास्ट के दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो ये है डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट, और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि सेंट्रल मैक्सिमम की एक विड्थ होती है. सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ मतलब ब्राइट फ्रिंज जो मेरे को मिलेगी वो कितनी चौड़ी मिलेगी, वो विड्थ कैलकुलेट करने वाला होता है. तो पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसकी विड्थ देखते हैं. तो देखिएगा, अब पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? पाथ डिफरेंस निकालने का ये तरीका है कि भाई आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये बीच में ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज के बाद मेरे को मिलेगा डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज. तो मैंने, मेरे पास एक पोजीशन तो ये हो गई ब्राइट फ्रिंज की, एक पोजीशन और देख लूँगा ब्राइट फ्रिंज की. दो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के बीच का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है, हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है, और उसी को हम विड्थ बोल देते हैं. किसकी? डार्क फ्रिंज की विड्थ बोल देते हैं. तो वो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, वो देखेंगे. आप ये सोचिएगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से पैरेलल जा रही हैं, तो यहाँ पर जितनी भी रेज हैं, इन सारी रेज में से भी कुछ और रेज भी निकल रही होंगी, तो वो जो रेज हैं वो अलग अलग एंगल्स पर होंगी. तो मैंने ये कहा कि हम सेम फेज वाली रेज को लेते हैं. ठीक है, तो सेम फेज वाली रेज को हमने कुछ इस तरह से लिया. आप इसमें लिखेंगे, मैं इस तरफ ये वाला पोर्शन मिला रहा हूँ, और इसी में अभी इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसीलिए मिटाया नहीं है. आप यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ जाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, इसमें आप लिखें, सपोज द सेकेंडरी वेवलेंथ्स
wavelets diffracted at an angle theta are focused at point P. Suppose the secondary wavelets, diffracted diffracted at an angle theta are focused at point capital P. As shown, यहाँ पर बस ये लिख दीजिए as shown. मैंने क्या करा कि जैसे हमने देखा कि एक पॉइंट ये है कैपिटल ए, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए कैपिटल ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए कैपिटल बी. तो ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, आपने यहाँ तक इसको एरो बना दिया, आपने इस पॉइंट को बोल दिया कैपिटल ए. मैं इधर लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ कैपिटल ए, इसको बोल दिया कैपिटल बी, हटाइए एरो वगैरह छोड़ो, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल दिया कैपिटल सी. ठीक है, हम ये कहते हैं कि जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी रेज हैं, उन सब में से कुछ ना कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं. अब जो वो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी वो किसी ना किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट करेंगी. तो मैंने ये कहा कि थीटा एंगल पर जितनी भी वेव्स थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट कर रही हैं, हमने ये मान लिया कि थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट करने वाली सारी की सारी वेव्स यहाँ पर स्क्रीन पर एक पॉइंट पी है उस पर आकर मिल रही है. ठीक है भाई, अगर सारी वेव्स, हम सिर्फ उन वेव्स को लें जो एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रही हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो सारी की सारी जो रेज हैं, वो सारी की सारी रेज क्योंकि एक ही एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो सारी की सारी क्या है, सेम फेज में, और उनकी वजह से जो वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी वो भी सारी की सारी सेम फेज में होंगी. तो देखिएगा, मैंने कहा बी से डिफ्रैक्शन हुआ कितना, थीटा, थीटा कुछ इस तरह से कि वो यहाँ पर टकराएगा, ऐसे इस पॉइंट पर टकराया, मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल थीटा है. ठीक है, तो वो इस एंगल पर गया कुछ ऐसे कि यहाँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और इसके बीच वाली जो रे है, बीच वाली रे का ये वाला पॉइंट यहाँ पर टकराया. इसी तरह से हमने कहा कि जब ये वाला एंगल थीटा है तो जो दूसरे वाला एंगल है, तो दूसरे वाला एंगल भी जब थीटा ही होगा तो वो इसके पैरेलल जाएगी रे. ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हुआ. सिमिलरली जब मैं ए से लूंगा तो ए वाला भी, ये वाली रे पैरेलल, ये वाली, ये दोनों रेस पैरेलल है आपस में, तो भाई जब तीसरी भी थीटा पर जा रही है तो वो भी पैरेलल ही हो. ये पैरेलल होगी, तीनों रेस पैरेलल रेस जो है. अब ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पर मिल रही है, मैंने कहा कि यहाँ पर मिल रही है पॉइंट पी पर. पॉइंट पी ऐसे दिखाइए कि ये वाली रे जो है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, तो बेटा इसमें तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं. ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट गुजरती है उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधी जाती है. ये यहाँ मिलेगी और ये यहाँ पर मिलेगी, तो पॉइंट पी हमारा यहाँ हो गया. पॉइंट पी यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं. मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. मैं बीच में एंगल थीटा दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ सोच समझ कर बताऊँगा अभी, किस लिए मैं बता रहा हूँ बताइए. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, डायग्राम सभी ने बना लिया? सचिका, कनिष्का, ईशान, एकांश, ऐश्वर्या? ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा. इसके बाद मैं ये कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखिएगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम फ्रॉम ए. नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
परपेंडिकुलर ए एन, कैपिटल ए कैपिटल एन फ्रॉम ए ऑन द रे फ्रॉम बी, ऑन द रे फ्रॉम बी तो बी से निकलने वाली जो रे है आप ए से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। और इसी तरीके से ए से बी को भी एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया तो ये ट्रायंगल बन गया। अच्छा इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए बेटा एन, कैपिटल एन। तो एक ट्रायंगल बन गया ए एन बी, और ए एन बी ट्रायंगल में मैं ये देखूंगा कि जो हमने इनिशियली जो थीटा एंगल डिफ्लेक्शन हमने लिया है ना, वो थीटा एंगल कहाँ पर लिया है, ये वाली जो लाइन जा रही है ठीक है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में मैंने थीटा एंगल लिया है। तो इसका मतलब इन लाइंस पर जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो आप ये देखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्टेड लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ए एन। तो ए एन और ए बी इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही बन जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है बीच में ये वाला एंगल भी थीटा ही कहलाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार जूम इन करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा ठीक है। अब शायद दिख रहा होगा, मैंने ये बताया यहाँ पर कि ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इस रो पर परपेंडिकुलर क्या है, ये डॉटेड लाइन। इस रो पर परपेंडिकुलर क्या है, ये डॉटेड लाइन ए है। तो इन दोनों डॉटेड लाइंस जो हैं इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही बनेगा। ये आपको एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ठीक, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। बताइए जी क्लियर है, ठीक है। अच्छा वापस जूम आउट कर रहा हूँ, अब देखिएगा हम मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए एन बी, ये जो ट्राइंगल ए एन बी बना है इसमें आप देखें, बल्कि वो लिखने से पहले ये देखिएगा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट होगा कैसे। मैं ये पूरा बिठा रहा हूँ, अब मेरा काम रह गया सिर्फ पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का। The path difference between the wavelets from A and B from A and B will be small p is equal to pp minus ap bp minus ap bp minus ap। अब सवाल ये उठता है कि जो bp है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ap कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो AP को हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं कैसे, क्योंकि जब एक डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इट इज़ एक्टिंग लाइक अ वेक्टर। रे ऑफ लाइट है तो रे ऑफ लाइट का एक डायरेक्शन है, तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ वेक्टर ठीक। तो आप ये देखिएगा कि कोई जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो तीनों के तीनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनको पैरेलली डिस्प्लेस करा जा सकता है कितना भी। तो आप ये देखिए कि अगर
मैं बीबी देखता हूँ तो बीबी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लाइन है, और अगर मैं एपी की बात करूँ तो ए को अगर मैं इस तरीके से लेकर आ जाता हूँ तो ये बीपी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जा रहा है तो ए यहाँ आएगा, तो ए हो जाएगा आपका यहाँ से ए से लेकर पी तक, ये स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अगर किसी भी फिर से बता रहा हूँ कि आप ये देखिएगा कि ये बी जो है, ये बी तो यहाँ से यहाँ तक ही स्ट्रेट लाइन है बीपी, लेकिन ए पी अगर मेरे को बनाना है तो मैं ए को पैरेलली मूव करूंगा, तो जब मैं ए को पैरेलली मूव करूंगा तो बेटा ए इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, तो ये हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला पॉइंट ए पी कहलाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक वाला पॉइंट ए पी कहलाएगा, क्लियर है? समझ गए? तो आप ये देखिएगा कि इस तरह से अगर मैं बीपी में से एपी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा क्या, केवल बीएन। तो आप क्या लिखें, पी इज इक्वल टू बीएन। अब बीएन कैसे निकलेगा, ये आप कहें कि इक्वेशन नंबर वन बोल दो इसको, और ये कहिएगा कि फ्रॉम राइट ट्राइंगल, फ्रॉम राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए एंड बी, ए एंड बी, ए यहाँ पर मैंने डिस्प्लेस करा है तो ये वर्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ट्राइंगल है हमारा ए एंड बी, फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए एंड बी, यहाँ पर आप साइन थीटा कैलकुलेट करें क्योंकि मुझे बी एन निकालना है, तो थीटा के सामने वाला होता है साइन परपेंडिकुलर, साइन थीटा is equal to perpendicular कितना है BN upon hypotenuse कितना है 90 के सामने वाली साइड यानी कि AB sin theta is equal to BN upon small a, it implies that BN is equal to A sin theta, so equation 1 suggests that path difference B, P is equal to A sin theta. तो path difference P is equal to क्या हो गया, A sin theta. ठीक है, तो ये हमारा A sin theta इस तरह से आ गया, ये हमारा कहलाता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस में आप जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, दैट डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट कितनी है, स्लिट की विड्थ, स्लिट की विड्थ, ठीक है, तो स्लिट की विड्थ कितनी है ए, तो ए साइन थीटा करना है, वो ए साइन थीटा से आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना आज करेंगे, इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें लास्ट बचा हुआ है, वो है हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। आप सिलेबस देखेंगे उसमें आखिरी टॉपिक यही है, सेकंड लास्ट ये था डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट में आप पूरी कहानी भी एक बार को भूल जाएं, ये डायग्राम मत भूलना, ये डायग्राम जरूर बनाकर दिखाना है, और इस डायग्राम में वो आपसे पाथ डिफरेंस जरूर पूछते हैं, तो पाथ डिफरेंस के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दिमाग में आता है ना बीपी में से मेरे को एपी सब्ट्रैक्ट करना है, तो जनरली हम ये भूल जाते हैं कि एपी कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, और फिर हमें एग्जाम में ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना कि क्योंकि ये तीनों की तीनों रेस पैरेलल हैं और इनकी डायरेक्शन है मतलब दे आर बिहेविंग लाइक अ वेक्टर, तो ये इसको मैं ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ पर ला सकता हूँ, तो वर्चुअली ए इस पॉइंट पर आ गया, तो बीपी में से अगर मैं एपी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बेटा इतना छोटा सा केवल बीएन बच जाएगा, वही मेरा पाथ डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस इतना करिएगा, और जो ये सेंट्रल मैक्सिमम है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये एक ब्राइट स्पॉट है, लेकिन इसकी भी कुछ विड्थ होती है, डॉट डॉट की तरह एक स्पॉट नहीं होता, इसकी भी कुछ विड्थ होती है, वो विड्थ हमको कैसे निकालनी है कल की क्लास में देखेंगे, कल दोपहर में 12 बजे मैंने बताया था ना, 12 बजे ले रहा हूँ कल क्लास, ठीक है, क्योंकि शाम को फिर वो होली का होगा माहौल, तो हम दोपहर में कल 12 बजे ले रहे हैं। ठीक है, जिसको ऑफलाइन कल की क्लास रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो डाल दूंगा, मैंने अभी पिछली एक दो क्लासेस जारी की थी, वो भी आज रात तक या कल सुबह तक डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके ओके सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।